नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश झा और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। तो अभी हमारे साथ सर हैं जो दिल्ली से आए हैं इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए। आप लोगों को कुछ बताएंगे, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरी पहचान तो ये हस्तशिल्प से पहचान है, तो मैं अपनी पहचान तो यही बोलूँगा जो हस्तशिल्प के बीच में खड़े हैं और हस्तशिल्प विभाग से हैं। नाम सुहन कुमार झा हुआ, हस्तशिल्प विभाग में इसको वरिष्ठ निदेशक के रूप में काम कर रहा हूँ। ये गांधी शिल्प बाज़ार जो किया जाता है देश में, करीब तकरीबन 40 से 50 लाख के लोग हस्तशिल्प अपनी आजीविका जो है चलाते हैं और उन्हीं को ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। आप ये समझिए ये एक ऐसा बाज़ार है जो भारत सरकार जो भी यहाँ पे आते हैं, जो लोग हस्तशिल्प की भाग लेते हैं, उन्हें आने जाने का किराया देता है, उन्हें सामान लाने का भाड़ा देता है। 10 दिन वो यहाँ पे रहेंगे, 10 दिन उनको फ्री स्टॉल मिलता है, 10 दिन के लिए 500 रुपया हर दिन में उनको डीए भी दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ आपको देश में किसी और विभाग में नहीं मिलेगा, जो कि इनको बेचने का अवसर भी दिया जाता है और उसके अलावा ये सारी सुविधाएँ दी जाती है। प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत बड़ा इससे कमी देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब हाथ से बनाया हुआ होता है। इसमें अधिकतर जो है वो सामान, जैसे कि आर्टिफिशियल सामान जो अभी हम लोग यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो प्रदूषण फैलाता है, मगर ये शुद्ध हाथ से बनाया हुआ है जो कहीं से थोड़ा सा भी प्रदूषण लाने का काम नहीं करता है। तो ये हमारे साथ हैं, भारत सरकार का अधिकारी जो यहाँ उद्घाटन करने पहुँचे थे। प्रसिद्ध जो स्टॉल है वहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिथिला पेंटिंग का जो है वो सब लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आज पूरे देश भर का जो भी शिल्प कला जान पहचाना है वो सारा स्टॉल यहाँ पे लगा है। जो भी सामान अगर आप चाहते हो कि हम शिल्प कला में आके खरीदें तो आप खरीद सकते हैं। अभी तो स्टॉल लग ही रहा है, आपको दिखाएंगे, अभी सब स्टॉल लग ही रहा है, करीब करीब रात तक ये पूरा हो जाएगा और पूरे देश का शिल्प कलाओं से अंतर्गत बना हुआ सामान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए यहाँ, ये कहाँ का है? अच्छा, ये सुजाता मिश्रा पटना से है। ये आप क्या बनाते हैं सुजाता जी? देखिए ये मिथिला आर्ट का साड़ी दुपट्टा झोला, मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो बनाते हैं, यहाँ तक कि गोदना भी मिथिला आर्ट में करते हैं। तो ये कितना अच्छा है जो मतलब यहाँ पर आपको नया नया चीज़ जो है शिल्प कलाओं के द्वारा बनता है वो देखने को मिलेगा। तो ये बाजार जो है आज शाम तक सज के तैयार हो जाएगा और कल से जब आएंगे तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जो भी खरीदना चाहेंगे वो खरीद सकते हैं। इसी के साथ मैं अखिलेश झा विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।